लक्ष्मी तलामाना। ई जे हमर नगरी अछि मिथिला महान, बनौने अछि अपन अलग पहचान। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। जतऽ जन्माता जतऽ जन्माता पाब एक नाम, जतऽ जन्माता पाब एक नाम। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। सीता जन्म ली तो मैया कहेली, सीता जन्म ली तो मैया कहेली। कहियो ने फेर घूमी मिथिला एली, कहियो ने फेर घूमी मिथिला एली। तैयो कहैया एक धाम, तैयो कहैया एक धाम। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। खेती आपाती मा अछि बड़ा नामी, खेती आपाती मा अछि बड़ा नामी। बरखा महीना के गीत अछि दामी, बरखा महीना के गीत अछि दामी। माटी ता हियो माटी ता कृषि प्रधान, माटी ता कृषि प्रधान। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। विद्यापति ता छलत बड़ा जीती, विद्यापति ता छलत बड़ा जीती। महादेव पैर पौले छल सीती, महादेव पैर पौले छल सीती। नामे ता अछि गाम गाम, नामे ता अछि गाम गाम। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। हो जतऽ जन्माता पाब एक नाम, जतऽ जन्माता पाब एक नाम। हमर नगरी अछि मिथिला महान, हमर नगरी अछि मिथिला महान। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव विपिन चंद्र देव जी। और एहि कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़बैत, वास्तव में हमर मिथिला महान छै, और एहि कार्यक्रम के आब हम मंतव्य सब से अगाड़ी एकटा जानकारी मूलक अपने सब के शब्द कही, और ओहि सम्बन्ध में ई देव जाति की छै, एकर उत्पत्ति कोना भेलै, एकर इतिहास की छै, अपना सबके रोडमैप केना छै, तकर लेल अपने सब जाति से अपना सबके जाति के बुजुर्ग कहबै, जाति प्रति चिंतन करै वाला पत्रकार छथिन, हुनका अपन जाति के संदर्भ में पुस्तको प्रकाशित कर चुकल छलखिन, हुनका आदरणीय पत्रकार श्री रामनारायण देवजी के अब प्रकाश पारि दिए के लागि हम हार्दिक अनुरोध करै छी। कृपया ताली से स्वागत करू। एहि कार्यक्रमक देव सेवा समिति द्वारा आयोजित एहि कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि जी, अतिथि उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आइ व्यक्तिगत रूपसँ हम बहुत खुशी छी जे आइ विद्यार्थी लोकनि सब जितियाके शुभ अवसर पर कार्यक्रम कऽ रहल छथिन। आ हमरा सब आमंत्रित केलथि, हमर डेरा पर जाके हम व्यस्त रहितो गेलहुँ, और हमरा बाजबाक जे प्रथम मौका देलहुँ हँ, किए तऽ हमरा 2 बजे एक जगह जेबाक अछि एकटा कार्यक्रममे, सेहो हमरा निकै भेल। तऽ हम अखन बेसी तऽ एहि विषयमे नहि कहि सकब, लेकिन तथापि संक्षिप्त हम इएह कहब जे अपना सबके जे देव जाति छी, अल्पसंख्यक जाति, हमरा बुझना जाइत अछि जे नेपालमे मुश्किलसँ 15-20 हजार हेतै, 15 हजार 20 के बीचमे हेतै, 10 से लेकिन बेसी छै।
मूल रूप से सप्तरी जिला में सुनसरियो में विराटनगर में माइग्रेट कल के और सब जगह माइग्रेट काठमांडू में बहुत भ गए जनकपुर में। अब बात की इतना हमरा सबके तो देव जी और संख्यक छी लेकिन हमरा सबके जे संस्कार है से मिथिला के संस्कार है मैथिल संस्कार है मैथिली भाषा और संस्कृति के संस्कार है स्वतः हमरा सब मैथिल छी। हमरा सबके जे जते गोत्र है या मूल सब पैंच सब है हमरा सब पैंच बहुतों गोटन में बुझल आयत जे राजा हरसिंह देव के टाइम में ऐसा 800 वर्ष पहले अर्थात 1324 ईस्वी में मिथिला में राजा हरसिंह देव सिमरौनगढ़ के अंतिम राजा छला जे कि बाद में भक्तपुर आबि के शासन कलखिन वो काठमांडू में सब जे हुनकर अखन इष्ट देवी हुनकर कुल देवी जे भवा की कहे तुलजा भवानी से अखन भक्तपुर में बसंतपुर में से काठमांडू में है। तो हरसिंह देव जहन 1324 ईस्वी में पैंच स्थापना कलखिन मिथिला में मैथिल ब्राह्मण में देव में कैश में तीनों जात में पैंच है अहाँ के आ चारिम जात में पैंच नहीं है अहाँ के। राजा हरसिंह देव पैंच के बहुत पैघ इतिहास है हमर जो किताब है देव जात के इतिहास हम डिटेल में लिखने छी हम और एक वास्ते जो मिथिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर उग्रनाथ झा जो PhD कने छथि पैंच पर मिथिला में पंजीकरण केना भेले पंजी प्रथा केना शुरू भेले डॉक्टर उग्रनाथ झा जो मिथिला विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर छला हुनका से व्यक्तिगत रूप से भेंट कऽ के हम दरभंगा मधुबनी में जाकर पंजकार सबसे हम व्यक्तिगत रूप से भेंट कऽ के हम अपन जात के पंजकार जो छला रहे सुनरा में हुनको से हम आब दिवंगत भ गेला है तो हुनका से हम पूछने छलियनि जे अपना सबके जे पैंच अछि से कते वर्ष पुरान अछि। तू कहलनि बहुत वर्ष पुरान अछि हुनका नहि बुझल छलनि हम इतिहास के बात कहलियनि तऽ कहलनि नहि नहि ठीक कहै छी अहाँ हम गेली दरभंगा महाराज तऽ अहाँके जे लालमोहरो देने हैत अहाँ सबके पंचकार सब वहाँ देने रहै हमरा सबके लालमोहर देने रहै जे कोशीमे भसिया गेल हुनकर घर लोखा छलनि पहिले बाद में सोनराम मैग्नेट के लेत दरभंगा महाराज लेटेस्ट दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जो हुनका सबके पैंच के जे ओहि समय मैथिल ब्राह्मण के कास्ट के और देव के जे ओहिठाम सभा भेल छलै अहाँके दरभंगा में दरभंगा के ओहि समय दरभंगे राज छलै अहाँके मिथिला जे छलै अहाँ कुछ पार्ट दरभंगा महाराज के अंतर्गत बाद में जे छै से अहाँ पृथ्वीनारायण साहब बाद में ओकरा कब्जा केलकै ओकर अलग इतिहास छै अहाँके। तऽ हमर कहैके मतलब विशुद्ध मिथिलावासी छी अपना सब विशुद्ध मैथिली संस्कार बरसाइत कोजगरा मधुश्रावणी सारा जतेक छै अहाँके सब मैथिली ब्राह्मण से मिलै छै अहाँके कैस्टो से मिलै छै मैथिल ब्राह्मण से अपना सबके गोत्र मिलैए जेनाकि हमर वत्स गोत्र छै भरद्वाज गोत्र अछि सब सारा गोत्र मैथिल ब्राह्मण से मिलैए कैस्ट से संस्कार मिलैए कुल संस्कार मिलैए जे हमरो सबके पुरखा देवानजी पटवारी छलै कैस्टो सबके पुरखा देवानजी पटवारी छलनि अर्थात वृद्धि जे अछि कलमजीवी बुद्धिजीवी चाहत कैस्टो से मिलैए ब्राह्मणों से मिलैए अर्थात दुओ के बीच हमरा सब छी अर्थात एकरा अखन जेनाकि अहाँके भूमिहार ब्राह्मण अछि अहाँके भूमिहार ब्राह्मण अपना भूमिहार अर्थात ब्राह्मण कहै छै ओसब हमरा सब 13 घर जेनाकि अपना सब 13 घरिया कहै छै ओहिटा बहुत मार्केबल चीज छियै 13 घर जे छै अहाँके जहन 13 घर जे पश्चिम अहाँके बैसवाड़ा से या अयोध्या के आसपास से अयलै अहाँके सिमरौनगढ़ में अयलै या मिथिला राज्य में तिरहुत राज्य में अयलै अहाँके 13 घर वएह 13 घर के पैंच बनल छै जकरा 13 घरिया कहल गेलै मिथिलाक्षर में छै तिरहुताक्षर में छै आई अब धीरेन्द्र जी छथिन हिनका हिनका तऽ सब बुझल छनि हमहूँ मैथिली के जे छै एकटा छोट मोट हमहूँ अभियानिये छी हम मैथिलियो में लिखित रहै छी हमहूँ आ ओ तऽ पैघ लोग नहि छी हम ओ तऽ मीडियामे छथिन तब आइ 40 वर्ष सँ मैथिली अभियानमे हम लागल छी मैथिलीमे लिखै छी हम कतेक बेर जे छै से हम धीरेन्द्र जी के हमरा बारेमे सबके बुझल छनि हुनका तब आब कहैके मतलब हम एहिमे ई कहै चाहब जे हमरा सबके पैंचमे की लिखल अछि मैथिल तेरघरिया लिखल अछि पैंचमे मिथिलाक्षरमे अछि तिरुताक्षरमे अछि जे कखनो अछि अहाँके जे बहुतो गोटक नहि पढ़ायत हमरो सबके बड़ी मुश्किल से पढ़ मने मुश्किल भऽ जाइए तिरुताक्षर मिथिलाक्षर मैं 13 घर से एते घर भेल अहाँके मतलब कही मतलब ये कोनो जाति से जे कोनो जाति के प्राण शाखा छै मैथिल ब्राह्मण हमर इएह अनुसंधान है हमर किताब है जाहिमे बहुत कारण देने छी हम जे मैथिल ब्राह्मण के शाखा छियै देव जे छै से मैथिल ब्राह्मण के शाखा छियै कैश ऊपर अछि हालांकि पुरना पूर्वा सब जे कैश मने नहि कहबाक चाही पुरना पूर्वा सब अपना के मने कैश के निशान बुझै छलै देव जी से पूर्वा सब खैर जे कुछ तऽ कहै के मतलब हमर ये संस्कार मिलैए ब्राह्मण से बेसी कैशो से मिलैए तऽ हमरा सब जे छै से देवतर घरिया छी हमरा सब या एकरा एहि रूपसँ कहि सकै छी हमरा सब तिरुतिया छी हमरा सब राजा सिमरौनगढ़मे छी हमरा सब अच्छा हमरा सब तिरुतिया देव छी हमरा सब तिरघरिया या तिरुतियाके अपभ्रंश भऽ सकै छै तऽ हमरा सब तिरुतिया छी तिरुतिया देव छी हमरा सब या हमरा सब बोलचालके भाषामे सएह कहबाक चाही आओर गोत्र सब मिलैए हमर जे किताब अइ ओ डिटेलमे अछि आओर हम ओ किताब एखन आनै छी दुर्भाग्यवश सम्झुवश हमरो हड़बड़ एकटा 2 बजे एकटा कार्यक्रम जाइ गए हमरा ताहि लऽ कऽ ओ किताब बहुतो गोटे हम देने छी हम बहुतो गोटे निःशुल्कोमे देने छी हम ओ किताब पढ़लाके बाद
बहुतो कुछ देवजी के बारे में जानकारी भवे छै तत्वन सिद्धांत है छै बरसात है छै कोजगरा है छै जे सिद्धांत कास्ट कहै छै ब्राह्मण कहै छै वह सेम सिद्धांत से श्लोक वह दुमा छत वह सारा मंत्र सब जन वह भले आके तनी कोन अलग जात भले जब सारा ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण सब कुछ मिले छै कास्टो से मिले छै तनी जात अलग करन जात भले ये कोन आदिवासी जनजाति भले एक आदि हमरा के जने के जनजाति छै हमरा हसी लागल है ते बुढ़ा दे महापुण्य खूब छै तू ये खूब जनजाति है मंगोलियन फैसी के हमारा सबके जनजाति है विशुद्ध आर्य के संतान छै वैदिक आर्य छै अखुनका जे सम्मान हम कानून के विद्यार्थी छी हम तो वकील सेहो छी एडवोकेट छी हम प्राध्यापन बहुत हाई इसकुल हेडमास्टर रहलहुँ कैंपसमे पढ़ेलहुँ हम पत्रकारितो कयलहुँ हम लोग हमरा पत्रकारे बेसी लोग कहिए तैं हमरा कोनो बात नहि पत्रकार साहित्यकार छै के तऽ हमर केन्द्र हमरा सब विशुद्ध वैदिक आर्य संतान छी मिथिलामे सबसँ पहिले आर्य सभ्यता के जैसे उद्भव भेलै अहाँके सिंधु घाटी सभ्यतासँ जहन आर्य सभ्यता के विकास भेलै अहाँके मिथिलामे भेलै मिथिलामे जे छै से याज्ञवल्ली ऋग्वेद लिखलकै ऋचा सब जे छै श्लोक सब छै जे अहाँके ऋग्वेद के वेद के ऋग्वेद मिथिलामे लिखल गेलै जनकपुरमे लिखल गेलै अहाँके सिंधु घाटी सभ्यताके बाद जहन सभ्यता शुरुआत भेल आर्य सभ्यता तऽ जनकपुरेमे भेलै अहाँके अखन अहाँके नया संविधानमे जे खस आर्य कहै छै हम बहुतो जगह हमरा कार्यक्रम जहन बजबैए तऽ हमरा लोग बजबै नहि बेसी हमरा कमे लोग बजबै हम बेसी जाइ लए नहि चाहै छी कतौ हम अपने अलगे रूपसँ रहै चाहै छी हम बेसी प्रचार प्रसार मीडिया या अर्थात बेसी हम की कहै छै हो हल्ला बेसी अहो अथीमे नहि हम हाईफाइम नहि जाइवला लोग छी हम कहलियै कार्यक्रममे जे हम तऽ अखनो छी हम कानूनके विद्यार्थी छी अखुनका संविधान बहुत त्रुटिपूर्ण अछि अखन अहाँके संविधान एहि संविधानमे अहाँके खस आर्य अछि खस आर्य ककरा कहै छी अहाँ जहन अहाँके पाटन ढोकामे छै की कहै छै जे हुनका सब दीक्षित सबके कार्यक्रम ओ होइ छै ने हमरा बजने रहै ओहिमे हमरा प्याकरण ईसब भन्नु रहै देवजी भन्नु तपाईँ राम्रो बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै ज्ञान छ तपाईँलाई धेरै जानकारी छ सबसे पहिले यहाँ विरोध गर्नु यो संविधानको विरोध यो खस आर्य लेख्नु हुँदैन यो गलत हो यदि खस आर्य भने हामी त्योभन्दा चाहिँ नि हामी ठुलो आर्य हामी आर्य हिन्दू हामी हौ हामी मिथिलाका हामी तराईका हामी आर्य हौ तपाईँहरू खस र आर्य अलग अलग हो खस अलग कोकसिन हो कोकसिन पर अभर हुन्थ्यो खस भएको हो तपाईँहरू आर्य होइन तपाईँहरू पछि चाहिँ आर्य हिन्दू भएको हुनुभएको हिन्दू सभ्यता हिन्दू कल्चर तपाईँहरू पछि एडप्ट गर्नुभयो हो तर हामी चाहिँ मौलिक रूपमा हामी आर्य हौ हामी हिन्दू हौ हामी तराईका मिथिलाका हामी आर्य हिन्दू हौ हामी तपाईँहरू खस हुनुहुन्छ तपाईँहरू जबरजस्ती आर्य लेखेर हुँदैन आर्य त हामी हो हामी तपाईँहरू आर्य होइन तपाईँहरू खस हो तपाईँहरू पछि तपाईँहरू हिन्दूहरूको संस्कार तपाईँहरूले एडप्ट गर्नुभएछ यी बात चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रममा कहने यहाँ बहुत विद्वान सब छन् यहाँका यी बात